नमस्कार, स्वतंत्र प्रभाव के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारतीय कृषि में क्रांति लाएगा ड्रोन। प्रशिक्षण लेने कॉडेट पहुंचे 7 जनपदों के FPO। प्रयागराज से दयाशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट। नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए अनेकों कठिनाइयां आती हैं। जिस किसान ने पहले अपनाया वो वन मैन शो बनकर स्थिति मजबूत कर ली। जो पिछड़ गया वह घाटे में पड़ता गया। यह बातें इफ्को कॉडेट में गुरुवार को कृषि विमान ड्रोन के साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त कृषि निदेशक अखिलेश चंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि नाबार्ड, गो ग्रीन व इफ्को कॉडेट संयुक्त रूप से मिलकर किसानों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। निश्चित ही यह सफलता लाएगी और किसानों के लिए यह प्रयत्न एक मील का पत्थर साबित होगी। श्री शर्मा ने कहा कि नई तकनीक को ले आने के लिए और उसको किसानों के बीच में अपनाने में और समझाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जो समझ गया वह बहुत ही लाभ में रहता है। विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक नाबार्ड उत्तर प्रदेश डॉक्टर प्रभुदत्त साहू ने किसानों को नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि ड्रोन खरीदने के लिए नाबार्ड किसानों को सहयोग देगी। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव पर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने किसान विमान ड्रोन का प्रदर्शन भी देखा। इफ्को मुख्यालय उप महाप्रबंधक विपणन वेद पाल ने कृषि ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपीट इफ्को मुख्यालय उप महाप्रबंधक विपणन वेद पाल ने कृषि ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। अनिल शर्मा, सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड, ने नाबार्ड की योजनाओं से परिचित कराया तथा ड्रोन के प्रयोग को कृषि में बहुत ही सराहनीय पहल बताया। कार्यक्रम का सफल और प्रभावी संचालन कॉडेट के प्रधानाचार्य राजेंद्र यादव ने किया। कॉडेट के OSD DPS तोमर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष BD सिंह ने ड्रोन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर LS पांडे, DK पांडे, डॉक्टर हरि माधव शुक्ल, इफ्को फूलपुर इकाई के कार्यकारी निदेशक श्री संदीप कुदेशिया, कृषि विमान ड्रोन का प्रशिक्षण देने वाली कंपनी गो ग्रीन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शंकर गोयनका, नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉक्टर प्रभुदत्त साहू।